हाय व्यूअर्स, आपको मैं अपने चैनल पर खुश आमदेद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। और साथ ही साथ मैं उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मुझे उम्मीद है कि आज ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो व्यूअर्स, ये वो जगह है कि जहाँ से किंजर झील में पानी दाखिल होता है। लास्ट वीडियो में व्यूअर्स मैंने आपको यहाँ का टूर कराया था और आपको ये बताया था कि किंजर झील का स्टार्ट पॉइंट कौन सा है और किंजर झील में पानी कहाँ से दाखिल हो रहा है। तो आज व्यूअर्स हमने उस मुकाम पर जाना है कि जहाँ से ये कैनाल स्टार्ट हो रही है, यानी कि कराची कैनाल जो है जिस जगह से स्टार्ट होती है, आज आपको वहाँ लेकर के जा रहा हूँ। और इसका जो व्यूअर्स कैनाल का स्टार्ट पॉइंट है, उसके लिए हमें जाना है कोटरी बराज। कोटरी बराज से ये कैनाल निकल रही है और उसके लिए जामशोरो पहले पहुँचेंगे, जामशोरो से फिर हमने जाना है कोटरी बराज। तो व्यूअर्स, अपना मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपना आज का सफ़र शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये आप माइल जो स्टोन है व्यूअर्स, इसको आप पढ़ सकते हैं। कोटरी यहाँ से 54 किलोमीटर है और हैदराबाद यहाँ से 61 किलोमीटर है। तो अपना व्यूअर्स मज़ीद सफ़र आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं रुका हूँ थोड़ी देर खाना खाने के लिए, बहुत ज़्यादा थक गया था। और खाना खाने के बाद व्यूअर्स अपना मज़ीद आगे सफ़र जारी रखा। आखिर ज़िंदगी है क्या? ये समुंदर की तरह वसी है जिसका सिर्फ एक ही किनारा है, और जो लोग दूसरे किनारे की खबर लेने गए हैं आज तक नहीं लौटे। जिंदगी वत खा जाती है, ज़माने निकल जाती है, कभी कभी सदियाँ हड़प कर जाती है। ज़िंदगी से पहले भी ज़िंदगी थी और ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी होगी। ज़िंदगी मरती नहीं, ना ही हमेशा ज़िंदा रह सकती है। ये सफ़ेद और स्याह धागे से बुना हुआ खूबसूरत मलबूस है, इसमें कहके भी हैं, हिचकियां भी और सिसकियां भी। ज़िंदगी गरीबों के कच्चे घरोंदों में सरशार भी रह सकती है और अमीरों के मोहल्लात में बीमार भी रह सकती है। ज़िंदगी की तारीफ बहुत मुश्किल है, ये एक राज है। दर हकीकत ज़िंदगी तलाश में है। किसकी तलाश? ज़िंदगी उसे तलाश करती है जो ज़िंदगी को तलाश करता है। ज़िंदगी मौत के ताकुब में है और मौत ज़िंदगी के पीछे आ रही है। दोनों दोनों की तलाश में हैं। जब तक दोनों में से एक ख़त्म नहीं हो जाता, ये खेल जारी रहता है। व्यूअर्स, ये वही कैनाल है जिसके आज हम स्टार्ट पॉइंट पर जा रहे हैं, यानी कि कराची कैनाल।
और ये जो शाहरा है ये नेशनल हाईवे है, और ये जो जगह है इसे इब्राहिम खासखेली गोट कहते हैं और इलाका झर्क का है। झर्क से कोटरी तकरीबन 40 किलोमीटर का मजीद फासला है, लेकिन हमने जाना है जामशोरो, और कोटरी से जामशोरो का मजीद जो फासला है व्यूज वो 16 किलोमीटर का है। व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से पहुंच गया हूं। व्यूज़ ये वो जगह है, इसे कोटरी बराज भी कहते हैं, और ये वो नहर है, कैनाल है जो कि यहां से व्यूज़ निकल रही है कराची के लिए, और इसे कराची कैनाल भी कहते हैं व्यूज़। व्यूज़ देखें, जैसा कि ये लिखा हुआ है कलरी फीडर, इससे मुराद ये है कि ये यानी कि कलरी झील को पानी जा रहा है सीधा, इसे कराची कैनाल भी कहते हैं और कलरी झील के कलरी फीडर भी कहते हैं। व्यूअर्स ये वो जगह है जहाँ मैं आपको लाना चाहता था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से पहुँच गया हूँ, और ये वो कैनाल है व्यूअर्स के जहाँ पर मैं आपको लाना चाह रहा था, इसे कराची कैनाल भी कहते हैं और कलरी फीडर भी कहते हैं। व्यूअर्स यहाँ कोटरी बराज से इसका आगाज़ होता है, और फिर आपको मैंने दिखाया था जिस पॉइंट से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, वहाँ से फिर व्यूअर्स आगे जाती है कलरी में, कलरी से फिर आगे पानी जाता है चिलिया बंद, चिलिया बंद से फिर आगे गुज्जो, और गुज्जो से फिर आगे कराची शहर को। तो व्यूज़ मेरा आज का सफ़र यहीं पर होगा ख़त्म। व्यूअर्स अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।